स्टार। तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जल्दी आ गए तुम। मैंने सोचा तुम बाप बेटा देर से आओगे। आज डिनर कैसा रहा? रहने दो असना, मैं जरा शावर ले लूं। यकीनन लड़ाई हुई है। बहुत खूब सलीम, बदमाश लड़की, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। बेटी सारा इधर आओ, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग खाला जान। सुना है तुम अपना मकान बेच रही हो, क्या ये सच है? कौन से किराएदार की बात कर रही हैं खाला जान? वो कल वाला लड़का मकान देखने नहीं आया था क्या? किराएदार नहीं था। बार बार ने तो यही बताया था। वो कौन है? वही जो जेल से छूटा है, कुत्ता लेके घूमता है यहाँ। खाला जान मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आपका दिन अच्छा हो। ये हर वक्त फजूल बातों में लगा देती है। अगर मैं रोजाना इतना कुछ खाऊं तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। लड़की तुम इतना सब कुछ खाती हो, फिर मोटी क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ। इसके अलावा मैं 3 घंटे वर्कआउट करती हूँ। मैं पूरा दिन सोफे पे तुम्हारी तरह नहीं बैठी रहती। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? क्या बात है बेटी, क्या बात है। नहीं मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुराक अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सलीम साहब। शायद वो किसी का वेट कर रहा हो किसी के घर के बाहर, और वो लोग आने ही वाले हों। क्या कहना चाहती हो तुम बिरजिक? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। हाँ नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हाँ शायद सारा के घर गया हो वो। शायद वो उसी के साथ आने वाला हो, इसी वजह से लेट हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है ना यार। सारा? अरे नहीं, वैसे भी सारा कहीं से भी टपक पड़ती है। शायद वो इसीलिए लेट हो गई हो, बुराक उसे लेता आ रहा हो। अब समझी। हाँ वैसे मेरे दिल में कोई डाउट्स उसके खिलाफ नहीं है, मैं तो बस ऐसी जनरली बात कर रही थी। गीबत नहीं कर रही, बकवास कर रही हो तुम। आखिर जिसका इंतजार था आ ही गए। लेकिन ये तो सारा के बगैर आ रहा है फिर जी। हो सकता है शायद देर से उठा होगा। मैं निकल रहा हूँ। जाने मन, काफी मोटे हो गए हो तुम, पेट बाहर आ रहा है। तुम क्या समझती हो इस उम्र में क्या मैं मॉडलिंग करूंगा? ये बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें हर तरह पसंद करती हूँ। और हाँ, वो तुमने अगर बर्थडे की लिस्ट बना ली है तो क्या मुझे दिखा सकती हो? मेरे भी कुछ मेहमान होंगे। एहसन, तुम अपने उन अमीर बोरिंग दोस्तों को तो नहीं बुलाओगे ना पार्टी में? पहले तो तुम मेरे अमीर दोस्तों की बीवियों के साथ दोस्ती करने की बहुत ख्वाहिशमंद थी, अब क्या हो गया? क्या हुआ, अब पसंद नहीं आते वो? तुमने हमेशा मुझे गलत ही समझा। हाथ है, मैं तो बस अपनी पार्टी में अपने कुछ करीबी और खास दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ। शाम में मिलता हूँ। वैसे बुराक, जरा हमें बताओ तो तुम्हारे लेट होने की वजह क्या बनी है आज? बिरजिक ने गैर जरूरी अंदाजे लगाए थे। अरे यार, तुम लोग ये पहेलियों में बातें करना नहीं छोड़ोगे? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करना, मैं वैसे ही आज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। काफी नर्वस लग रहे हो आज तुम। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मत पूछो यार, कल रात को हमारी पार्किंग में मेरी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा गया, पता नहीं कौन था। क्या कह रहे हो? ये पूरी गाड़ी पर डेंट मार दिए, तहस नहस कर दिया सब कुछ, सिक्योरिटी भी पता नहीं कहाँ थी। क्या कैमरा रिकॉर्डिंग चेक नहीं की? हाँ यार, बस सुबह से वही देख रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, फिर क्या हुआ? उस शख्स ने सिक्योरिटी को तोड़ा, पार्किंग में घुसा, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और वहां से फौरन भाग गया। अच्छा तो कौन था वो आदमी?
भाई नहीं मालूम ना, आदमी का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आया क्योंकि उसने नकाब लगाया हुआ था, कैसे पहचानता? ये तो बहुत एक ही डरावनी बात हो गई। क्या कह रहे हो? ये पुलिस को कॉल नहीं की क्या? पुलिस को भी कॉल की थी यार, मगर वो शख्स बड़ी तैयारी से आया था। पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा। ये कोई ऐसा ही हो सकता है जो तुम्हें जानता हो, क्योंकि वो इतनी सारी गाड़ियों में तुम्हारी ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाने आया था और किसी की नहीं। कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है और कोई बात नहीं है। बात सुन बे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फ्रेडी के साथ भी सेम सीन हुआ था यार, शायद कोई हमें तंग कर रहा है। क्या फजूल बातें कर रही हो ब्रिजिक? बुराक, कोई तुम्हें मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? बस बस, बहुत कहानियां बना ली तुमने सुबह से, इतना काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे नाराज हो अभी भी? ये क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा। अब देख लो तुम लोग अपनी आंखों से, मैं जब कह रही थी तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था ना, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे तो दो लोग बात करते ही दिख रहे हैं ब्रिजे। स्वीटी, शायद जो तुम समझना नहीं चाहती वो तुम देख भी नहीं रही। पक्का बुर्राक ने कोई बात की है, जब भी वो इतना शोर कर रही है। मैंने तो पहली बार देखा है कि सारा इतनी देर तक किसी से बात कर रही है। और ये बुराक है वही बंदा जो हर लड़की से मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाता है। ठीक कह रही हूँ ना सलीम? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं बाद में। क्यों मुझे गलत समझ रही? बुराक प्लीज बस करो, जान छोड़ दो मेरी और जाओ, जो बताना है अपने दोस्तों को बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा हुरिये की वजह से परेशान थी, उसी का पूछ रही थी। सच कह रहे हो? तुम कब से उसके बॉडीगार्ड हो गए जो तुमसे पूछ रही है वो? मैं क्यों उसका बॉडीगार्ड बनूंगा, मेरा क्या काम हुरिया से? और मुझे नहीं लगता कि सारा को भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि हर वक्त वो मेरे करीब आने के चक्कर में लगी रहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और तुम तो अपने भाई को जानते हो ना, है ना? और मैंने कुछ चालें चली हैं गोल मारने के लिए ताकि वो मजीद मेरे करीब आ सके। और तुम्हें याद है ना सलीम, मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि ये लड़की तुम्हारी भाभी बनेगी? छोड़ो, जाने दो, तुम्हारा गाड़ी का मसला हल हुआ, क्योंकि उसे जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। वो भी हो जाएगा, चलो चलते हैं। अबे साले, कैसे गवारों की तरह खा रहा है? आराम से खा, सब सामने ही रखा है। भाई आज आपने सुबह सुबह हमें बकरा बना दिया। तो किसने कहा बकरा बन जा, तेरे सामने ही रखा है, आराम से खा। बचपन से ऐसी ही आदत है भाई, क्या करूं, यतीम खाने में ऐसे ही खाना पड़ता था हमें। अभी तू यतीम खाने में नहीं है, भाई के साथ बैठा है। ओहो, मजे हो रहे हैं भाई। ओहो, क्या बात है, आजा, कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई। काम हो गया? हाँ बिल्कुल भाई, फिक्र ही नहीं करो, काम हो गया है। हाँ ये हुई ना बात, काम पूरा कर आया हूँ भाई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बच्चों वाला काम था ये मेरे। ये चीज गाड़ी देखते ही अपनी पैंट गीली कर दी। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। ये बता कि ये सब कुछ करते हुए किसी ने देखा तो? ऐसी बात कर रहे हो, इससे पहले कभी हुआ है? हाँ यही मांगता हूँ मैं। अबे ये क्या खा रहे हो तुम लोग? भाई वो लड़का तो बहुत बेवकूफ है। तुझे कैसे पता? कल मैंने सारा दिन उसका पीछा किया। अच्छा, उसका कोई पीछा कर रहा है उसको पता ही नहीं चला? अबे शक्ल से ही सीधा लग रहा था, कैसे पता चलता उसे? सही सही कह रहे हो भाई, तुम उसकी जगह होते फौरन पहचान लेते। अच्छा बात को लंबी नहीं कर, ये ले तेरा तोहफा। बहुत शुक्रिया भाई, आपका काम करने में इसलिए तो मजा आता है, पैसे मिल जाते हैं। चल अभी कट ले, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, मिलता हूँ, कोई काम हो तो फिर फोन कर लेना, हाजिर हो जाऊंगा। हाँ फिक्र नहीं कर, जरूर कॉल करूंगा। अबे तू एक काम कर, इसको उठा के अपने घर ले जा, कितना खाता है। अच्छा तो आप तैयार हैं? हाँ शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले किया है आपने? नहीं तो
सबसे पहले आप अपने पांव जमीन पर अच्छी तरह जमा लो। इतना ठीक है? जी हाँ ठीक है। अब आप पीछे झुकें मेरे हाथ पर। क्या मतलब? खुद को छोड़ दूं? मुझ पर छोड़ दें। तुम संभालोगे? हमेशा। ठीक है ठीक ऐसे? है अब खुद को ऊपर की तरफ खींचें। ऐसे, वेरी गुड। लगता नहीं आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं। हाँ नहीं किया। कमाल है वैसे, ग्रेट। मेरा कोच अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको मॉडलिंग के दिनों से याद हूँ। कैसे याद नहीं होंगी? उसके बाद आप जैसा कोई नहीं आया। अरे अब ऐसा भी नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप जैसी मॉडल फिर नहीं आई। आप अब भी उतनी ही हसीन हैं, नई आने वाली मॉडल्स को आप पीछे छोड़ देंगे। सारा, वो सुसाइड वाला मसला, उस दिन कुछ जाने बगैर तुमने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। वो लड़की, उस लड़की का नाम भी है? नाम जानता हूँ उसका। वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार थी और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, हद है। जिस लड़की से मैं जिंदगी में सिर्फ दो बार मिला हूँ, आखिर वो मेरी जिंदगी कैसे बन जाएगी? उसने उस छोटी सी मुलाकात को पता नहीं क्या समझ लिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बिल्कुल। वैसे भी आपकी डिक्शनरी में मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी जैसे कोई अल्फाज नहीं है। वो खुदकुशी करने वाली थी सलीम, तुम्हारे लिए। अगर सचमुच वो खुदकुशी करना चाहती तो इतना ड्रामा नहीं करती, एक कोने में जाकर चुपचाप मर जाती। जरा देखो तो कितनी समझ है आपको इन मामलों की। नहीं समझदार तो तुम हो। किसी का तकलीफ में होना अलग बात है, ये छत पर चढ़ जाना, शोर मचाना। अगर किसी को दिमागी मसला हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया? क्या हो गया? तुम्हारी बकवास। जी हो गई। Have a good day. अस्सलाम वालेकुम बाबा। ठीक है, मैंने कहा मैं आ रहा हूं, आकर मिलता हूं आपसे। ठीक हो? बहुत अच्छी हूँ हमेशा की तरह, बस पेट कुछ खराब है। अपना ख्याल रखो। तुम उदास रास्ते में क्यों चल रही हैं? अरे अम्मी, क्या आप तमीज से नहीं चल सकती? चले पकड़े इसे। लड़की शुक्र करो, मैं अभी चल सकती हूँ और जिंदा हूँ। काम करते करते मेरी टांगें टूट जाती हैं। ठीक है, अपने रोने दोबारा नहीं शुरू कीजिएगा। समझ गई मैं। तुम्हें तब खुशी होगी कि जब मैं इस सड़क पर एक दिन मरी पड़ी मिलूंगी। हाँ पूरा दिन बहुत मेहनत करती हैं आप। अच्छा अच्छा बताओ, मेरा पीछा क्यों कर रही थी और क्या काम है तुम्हें? मेरी अम्मी तो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। अच्छा अच्छा बस करो, बताओ क्या चाहिए? पैसे चाहिए? अब किस लिए पैसे चाहिए?
कल ही तो पैसे लेके गई हूँ मुझसे। ये देखो, देख रही हो ना, पैसे बचा बचा के मैं घर का सौदा पूरा करती हूँ। रहम नहीं आता मुझ पर। अरे बस करे यार, मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, जल्दी दे। अच्छा ठीक है, देख लो मेरा पर्स, खुद देख लो। झूठ समझ रही हो ना, ये देखो है इसमें पैसे, देखो। हद है अम्मी, पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी बस इतने से पैसे मिलते हैं आपको, हद है। पता नहीं क्या गुनाह हुआ था जो ऐसी बेटी मिली मुझे। हाँ भाई, कैसे हो? तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कोई खबर है क्या? सेब बड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे। अरे भाई क्या कर रही हो ये तुम, बहुत महंगे सेब हैं ये। ओहो, तो आप महंगे सेब भी रखने लगे हैं। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? काम से गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी आंखों के तारे। देखो अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। बेकार बातें मत करो, नहीं दे सकता मैं तुम्हें पैसे। बाबा को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे, अभी तो तुमने पिछले पैसे भी नहीं दिए। कैसी हो बेटा? मैं ठीक, मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो। देख लिया आज तुम्हारी दोस्ती, नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। अरे कैसी हैं आप? हाँ जान, ज्यादा लेट तो नहीं हुई मैं? नहीं नहीं, मैं भी अभी अभी आई हूँ। इदिल ने भी फोन किया, वो ट्रैफिक में फंस गई है, उसे देर हो जाएगी। जबरदस्त। ओह क्या है ये? पता नहीं, बस ये बहुत परेशान कर रहा है, दर्द हो रहा है। संभाल के जरा, बहुत कीमती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। इस रेस्टोरेंट में पहली मरतबा आई हूँ मैं, काफी रश रहता है यहाँ पे तो। कमाल है, लगता है सारी खवातीन अपने हस्बैंड के पैसे उड़ाने आई हैं यहाँ पे। अरे मेरा मतलब आप गलत मत समझिएगा। मैं क्या गलत समझूंगी, मैं तुम्हारी खूबसूरती देख रही हूँ, बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा मशहूर मॉडल थी, मैंने अपना ब्रांड बनाया और उसी से बहुत पैसा कमाया, और तुम्हारे बाबा भी मेरी इसी खूबी से मुतासिर हुए थे। सच है ये। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ आज भी जिंदा है। हाँ, वैसे हम दोनों की दोस्ती को भी 10 साल का अरसा हो गया है। कौन सोच सकता था कि मैं अपनी दोस्त के वाले से शादी करूंगी? किस्मत देखो। वाकई। वैसे तुम लोग जो कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ उसका? ऑपरेशन का वेट कर रहे हैं, देखिए अब क्या होता है। सब सही रहे इंशाल्लाह। वैसे मैंने उस दिन टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जो कहा था, उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। मैं मुंह में जो आता है वो बोल देती हूँ, फिर खुद पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे क्या जरूरत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो कब की भूल चुकी हूँ, भूल जाए इसको। ठीक है भूल जाओ, लेकिन खुद को ना भूल जाना तुम। हमेशा खूबसूरत, जवान और फिट रहना। अल्लाह जाने ओनर की गिर्द कितनी लड़कियां घूमती होंगी कॉलेज में। आ गई। हेलो गर्ल्स, कैसी हो? हेलो। हाय, मुझे देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, हम भी अभी अभी आए हैं। हॉस्पिटल के काम तो तुम लोगों को पता ही है, मैं निकल ही रही थी कि अचानक हॉस्पिटल के ऑनर आ गए, और तुम्हें तो पता है फिर उनके लिए रुक नहीं पड़ता है। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया इस मसरूफ शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाल के आने का। उफ, कैसी बातें कर रही हो, वैसे तुमसे अच्छे ताने कोई दे ही नहीं सकता। अरे तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पढ़ाई में बहुत ज्यादा मसरूफ रहती होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने स्कूल कब खत्म किया, पर बाबा को यूनिवर्सिटी और हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बहुत अच्छे से, तुम्हारे बाबा तो हर चीज में कमाल रखते हैं। हालांकि उन्होंने अपने कुछ फैसलों से मुझे बहुत हैरान किया है। अरे चलो खाना तो ऑर्डर करो तुम लोग। जरूर।